हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लोशन के बारे में जो कि आपको या फिर आपके छोटे बच्चों को स्किन में होने वाले इन्फेक्शन, एलर्जी जो कॉमन होते हैं, नॉर्मल होते हैं, मेजर की बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, इचिंग से रिलीफ देने का काम करता है। ओवरऑल बोलो तो स्किन को सूद करने का काम करता है। हमारा आज का प्रोडक्ट है हिमालय का सूदिंग कैलामाइन बेबी लोशन। दिस इज अ ओटीसी प्रोडक्ट, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बेबी लोशन जरूर लिखा है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल इसे बेबी के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। भाई जो चीज बेबी के ऊपर अप्लाई की जा सकती है उसका मतलब ये कि उतना ही डेलिकेट, उतना ही सेफ है, तो फिर उसको हम अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ इट इज टॉपिकल, इफ इज कंसर्न विद द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन ओनली तो हम इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। बच्चे क्या है, कहीं भी खेलते रहते हैं, छोटे बच्चे हो या फिर थोड़े बड़े बच्चे क्यों ना हो, इवन अपनी बात करें तो हम भी क्यों ना हो, कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को टच कर लेते हैं जो कंटामिनेशन से भरे हुए होते हैं, फिर उनको अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं या स्किन छुआ जाती है तो फिर वहां पर रैशेस होने लगते हैं, वहां पर लाल लाल चकत्तर पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है, जो कि एक एग्जाम्पल है कि एलर्जिक रिएक्शन वहां पर चालू हो रहा है, इचिंग हो रही है, इवन डायपर के रैशेस भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं, स्किन रफ हो रही है वहां पर, तो फिर आपको यह कैलामाइन लोशन अप्लाई कर लेना चाहिए। ब्रांड पे मत जाइएगा, एक्टिव कॉन्स्टेंट पे जाइएगा। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें कई सारे हैं, आपका एलोवेरा है, सूदिंग एजेंट है, बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलोवेरा के साथ साथ आपका है कैलामाइन, तो इसको यूज कर सकते हैं आप। इसको यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, जहां कहीं भी आपको रैशेस, लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसको अच्छे से गुनगुने पानी से धो लें। पानी आप ठंडा भी यूज कर सकते हैं, बट अच्छा इफेक्ट हमेशा गुनगुने पानी से आता है, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, सहने लायक हो, तो गुनगुने पानी से उसको जिस जगह को वॉश कर लें, एक साफ सुथरे टॉवल से ड्राई कर लें, ड्राई जब पूरा हो जाए तो उसके ऊपर जितना सरफेस एरिया में फैला हुआ है आपका इचिंग, इन्फ्लामेशन या तो फिर जो रैशेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली सफिशियंट क्वांटिटी में इसको स्क्वीज कीजिए, उसको टॉपिकली अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी व्यक्ति को लगाया जा सकता है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कैलामाइन बॉडी के लिए अच्छा होता है, कई कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन वॉश करना जरूरी है। आपके हाथों को बाद में वॉश कर लें जब अप्लाई करने के बाद, क्योंकि अनवॉश हाथ अगर आंखों में गए, इवन बच्चे के या फिर आपके में, तो फिर आपको इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कैलामाइन लोशन को आपको अप्लाई करना है। कैलामाइन लोशन के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी है कि यह स्किन को सूदिंग इफेक्ट करता है, जो डेड सेल है उनको रिजेनरेट करने का काम करता है, और आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन के कारण से जो केमिकल मैसेंजर निकले हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन निकला है हुआ है, इंटरल्यूकिंस वगैरह निकले हुए हैं, इनको थोड़ा सा सप्रेस करने का काम करता है। मास्ट सेल को जहां से हिस्टामिन निकल रहा है इंफ्लेमेशन के लिए, इचिंग के लिए, रैशेस के लिए, उसको भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिंपल येट अननोन है, बट इस तरीके से वो काम करके आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलीफ देने का काम करता है। जब कभी छोटे बच्चे इस तरह के रैशेस देखने को मिले, इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल इसका अप्लाई करना ना भूलेगा। ये काफी अच्छा है, हम भी अपने बच्चों के लिए ये यूज करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 बूंद इसकी काफी होती है अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो। लेकिन रैशेस अगर बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी स्किन वाले से या किसी बच्चों के स्पेशलिस्ट से जरूर मिलेगा। तो आज के वीडियो में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमने बात किया हिमालय का बेबी कैलामाइन सूदिंग लोशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।